गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल सुबह कुमारी देसी ब्लॉग में। तो आज है संडे और आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ फ्रेंड, तो इस वजह से सारा काम लेट हो रहा है। तो आज मुझे किचन को करना है थोड़ा सा डीप क्लीनिंग, क्योंकि बहुत सारे डस्ट डब्बों पे बैठ गया है, तो मैं आज सभी को क्लीन कर लेती हूँ। फ्रेंड डस्टिंग तो मैं हर दिन करती हूँ, मगर कुछ कुछ जगह पे डस्टिंग बाकी रह जाता है। तो आज मैं सोची सभी जगह डस्टिंग कर लेती हूँ, तो हमारा डस्टिंग किचन का हो गया है। मैं सभी कमरों में झाड़ू लगा लेती हूँ, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोल माइंस है, इस वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट आता है फ्रेंड। कोलवरी जिसे बोलते हैं, जहाँ कोयला निकलता है, हम लोग उसी जगह पर रहते हैं, इस वजह से गंदगी ज़्यादा होती है। दोस्तों मैं सभी हल्के गीले कपड़े से सभी को पोंछ लेती हूँ, इससे एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और मैं आंगन को भी धो लूँगी, क्योंकि आंगन के पास भी बहुत सारा गंदगी आ जाता है, और अभी ना गर्मी का मौसम है तो हवा चलता है तो डस्ट आ ही जाता है। तो मैं पानी से वॉश कर दूँगी तो साफ़ हो जाता है और चलने फिरने में बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड मैंने एक पैरागन चप्पल मंगवाया है, बहुत ही अच्छा है, लाइट वेट भी है और इसकी ग्रिप भी अच्छी है। तो पैरागोन से एक अच्छा ब्रांड है, और इस चप्पल की तो खासियत पता ही है लोगों को, तो आपको अगर लेना है तो आप पैरागोन ले सकते हैं। फ्रेंड मैं छत पे जो पौधे लगाई हूँ, लत जो होते हैं के करेले का, ये सब उसके पत्ते वगैरह गिर जाते हैं कुआं पे, इस वजह से मुझे साफ़ करना पड़ता है, और साफ़ कर देने से अच्छा भी लगता है। तो अब मैं वाइपर मार दूँगी, और आज है संडे तो सारे कपड़े भी मैं मुझे वॉश करने हैं, बच्चों का ड्रेस वगैरह। तो अभी इसे 1 घंटे के लिए मैं इसे सोप करके डाल दूँगी, ताकि इसकी जितनी भी गंदगी हो अच्छे से फूल जाए और तुरंत ईजिली साफ़ हो जाए। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल सुबह कुमारी देसी ब्लॉग में। तो बज गए हैं फ्रेंड 9:30। तो आज मैं थोड़ा लेट से उठी थी, संडे था, तो आप सोच सकते हैं ये संडे रहता है तो हम सबको थोड़ी हो जाती है कि लेट से उठेंगे। तो मैंने देखिए सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं, और मैंने आज क्लीन किचन को थोड़ा डीप क्लीन किया है, थोड़ा सा डीप क्लीन किया है, थोड़ी सी डस्टिंग की है, ज़्यादा कुछ तो किया नहीं है फ्रेंड, क्लीन कर ली हूँ, ज़्यादा नहीं की हूँ क्योंकि आज संडे था, बच्चों का ड्रेस वगैरह धोना था,
तो अभी बच्चे लोग गए हैं मार्केट क्योंकि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, संडे था और इतना सारा कपड़ा मैं कल धोई थी, सभी वो समेटना है तो काम हो ही नहीं पा रहा है अच्छे से। तो इस ये रूम को मैं क्लीन कर ली हूँ। तो अभी आज संडे है तो कुछ संडे में हमारे यहाँ डिफरेंट मतलब नॉनवेज बनता है, तो हमारे हस्बैंड नॉनवेज गए हैं लाने, पता नहीं क्या लेके आते हैं। तो अभी मुझे कपड़े वॉश करने हैं, बच्चों का ड्रेस वगैरह है, तो मैंने इसे फूलने दे दिया है तो काफ़ी इजी से ये छूट जाएगा, आधा घंटा में साफ़ हो जाएगा। तो अभी ये देखिए मैं सारा क्लीन कर ली हूँ, बस नाश्ता बनाना। तो आज नाश्ता मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज सत्तू वगैरह सब पी लेंगे क्योंकि आज लेट उठी हूँ। तो अगर आप लेट उठते हो तो काम तो सारा लेट ही चले होगा, तो भी मेरे साथ भी हो रहा है, बहुत सारे देखे बर्तन रखे हुए हैं। तो अब मैं चलती हूँ, कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी और अभी तक चाय भी नहीं पी फ्रेंड, तो उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड मैं सभी जगह पोछा वगैरह लगा ली हूँ और बच्चों का ड्रेस भी धुल गया। तो संडे को मेरी इसी तरह मॉर्निंग में क्लीनिंग का रूटीन होता है। तो ये था मेरा संडे ब्लॉग। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ढेर सारा कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड।